अब शताब्दी राय का अगला कदम क्या होगा ये कल यानी 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की तारीख आ गई है। आज से राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने आज मंदिर निर्माण के लिए पहला चंदा दिया है। उन्होंने 5,101 रुपये का चेक दिया और राष्ट्रपति के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1,00,000 रुपये का दान दिया है। तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी 2 चेक दिए हैं। समर्पण निधि अभियान के बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान सामने आया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने कहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर सारे परीक्षण पूरे हो गए हैं और नींव का डिजाइन कैसा होगा उस पर काम शुरू हो चुका है। चंपत राय ने कहा है कि 39 महीने में मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के पहले सभी प्रकार के परीक्षण, तकनीकी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं। नींव का सर्वोत्तम ड्राइंग क्या होगा, इस ड्राइंग पर कार्य प्रारंभ हो गया है। संभवतः 1 सप्ताह में ड्राइंग तैयार हो जाएगी। और शताब्दियों तक मजबूत रहने वाली नींव का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूरा विश्वास करते हैं कि अगर मकर संक्रांति का विचार कर लें तो 39 महीने में कार्य पूरे हो जाएगा। आज सुबह राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी देव, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा और आरएसएस के संघ चालक कुलभूषण आहूजा ने राष्ट्रपति कोविंद से जाकर मुलाकात की और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने राष्ट्रपति के सामने कविता सुनाई और मंदिर निर्माण के लिए चेक लिया। राष्ट्रपति ने भी पूरे डेलीगेशन को मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और पहला चंदा भी दिया। कितना बड़ा दिन है, महामहिम ने सबसे पहला आज इसका शुभारंभ किया और ये कितनी राशि उन्होंने दी। और जब आपसे मुलाकात की, जब आपने उनसे कहा, तो ये एक बड़ा एक समय था। मैंने उनके सामने एक कविता पढ़ करके दिखाई, उस कविता की प्रति भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, हनुमान कारनिंदे। और मैंने ये कहा कि हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने इस महान कार्य के लिए 5,101 रुपयों की धनराशि प्रदान की है। पूरे परिवार के साथ वे इसमें सहभागी होकर के अपनी तस्वीर भी खिंचाएं और इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। आपने ये कविता पढ़ के उनको सुनाई और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए मंदिर शुभारंभ के लिए। बिल्कुल यही कहा, ये कविता मैंने पढ़ करके उनको सुनाई और इस कविता में भी भिक्षा ही शब्द का प्रयोग किया है। तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज पता चला कि स्वामी जी कवि भी हैं। इस कविता में हम लोगों ने हम किस प्रकार का मंदिर निर्माण करना चाहते हैं ये भी दिखाया, उनको मैंने पढ़ करके सुना। मिट्टी है जो निर्माण होगा इस पूरे मंदिर का, वो वेदों के हिसाब से या फिर जो हमारे वेदों में स्थापत्य शास्त्र है, उस स्थापत्य के शास्त्र के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के सभी मंदिर, विशेषतः दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वे उसी शास्त्र के वास्तु के अनुसार बने हुए हैं, उसी प्रकार ये भी मंदिर बनना चाहिए, ये सामान्य बात है। डिजिटल पेमेंट या फिर कैश पेमेंट, आपने कहा कि सभी लोगों के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप चंदा दें, कम धनराशि से लेकर ऊपर तक कूपन देंगे। देखिए, धनराशि इसमें महत्वपूर्ण बात है नहीं, धनराशि तो हमें विश्वास है कि राम जी की कृपा से सारा समाज देगा। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने समाज के, अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों तक, वनवासी लोगों तक, किसी स्टेशन पर
मजदूरी करने वालों तक, कुलियों तक हम पहुंचे। अपोजिशन कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट लेना चाहिए था, कैश की जरूरत नहीं है। हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लोग और वनवासी लोग, उनके पास न अकाउंट है और न उनके पास चेक है, तो हम चेक कैसे ले सकते हैं? लेकिन हम उनको समाधान देना चाहते हैं और वो भी इस समाधान को चाहते हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के कार्य में सहभागी हुए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे आप? अवश्य करेंगे। उनसे भी आप यही कविता उनको भी बताएंगे और भिक्षा मांग? ये कविता मैंने आज सवेरे राष्ट्रपति जी के लिए लिखी थी, उस समय कोई कविता सूझ गई तो उस समय लिखेंगे, ये कविता उनको गाय को देंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, या अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे नेता हैं, उनके पास जाएंगे आप? मुझे समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा, मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है, हम किसी को पराया मानते नहीं है, राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में चंदा अभियान चल रहा है और वीएचपी पूरे देश में लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,00,000 रुपए चंदा दिया। शिवराज सिंह ने यह चेक वीएचपी के नेता को सौंपा। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। राम मंदिर के लिए चंदा देने में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी पीछे नहीं रही। साध्वी प्रज्ञा ने दो चेक दिए, एक चेक 1,11,111 रुपए का है और दूसरा है 1,11,11,111 रुपए का। भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित कर रही हूँ, जिसमें 1,11,111 ऐसा मैंने जो मुझे वेतन मिलता है उस वेतन का चेक मैंने समर्पित किया है सांसद के नाते, परंतु मैं भारत भक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के नाते भी एक चेक दे रही हूँ 1,100,000 रुपए का, तो वो भी राशि है 1,11,111। तो रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने भी चंदा दिया है। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने 1,11,111,111 रुपए का चेक दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उन्होंने ये चेक सौंपा है।